हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन ब्राइट फ्यूचर नर्सेज हब फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आप इन क्वेश्चंस को एज टेस्ट सीरीज़ की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और कर सकते हैं अपना सेल्फ असमेंट ब्राइट फ्यूचर नर्सेज हब के साथ अगर फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चन को एज टेस्ट सीरीज़ की तरह सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ नाउ लेट्स सी अबाउट क्वेश्चनस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वॉट डज द नर्स डिटरमाइन इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ रीनल कैलकुलाई इन अ क्लाइंट विथ पैराप्लेजिया एक क्लाइंट है पैराप्लेजिया का उसमें रीनल कैलकुलाई डेवलप होने का मोस्टली कॉज क्या होगा ऑप्शन है हाई फ्लूड इंटेक इंक्रीज कैल्शियम इंटेक एन इनएडिक्यट किडनी फंक्शन या एसलेटेड बोन डिमिनेलाइजेशन तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स पैराप्लेजिया वाले पेशेंट में क्या होता है पैराप्लेजिया वाले पेशेंट में क्या होगा प्रोलॉन्ग इनएक्टिविटी रहेगी जिसकी वजह से जो कैल्शियम है उसकी बोन का ब्लड में आने लगेगा और किडनी में जाकर कैलकुलाई फॉर्म करेगा तो इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या हुआ एसेलेटेड बोन डीमिनरलाइजेशन ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड अ नर्स शुड एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई अ लॉस ऑफ विच एबिलिटी वेन असेसिंग एन अनकॉन्शियस क्लाइंट एक नर्स किसी अनकॉन्शियस क्लाइंट को असेस करती है तो इसमें से वह कौन सी एबिलिटी लॉस होने के लिए एक्सपेक्टेशन करेगी ऑप्शन हैं हीयरिंग बॉयस मूविंग स्पॉन्टेनियसली कंट्रोल एलिमिनेशन या फिर रिएक्टिंग टू पेनफुल स्टमिलाई तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स अगर कोई क्लाइंट अनकॉन्शियस है तो उसमें क्या होता है इसमें यूरिन और बॉबल के वॉल्ट्री कंट्रोल लॉस हो जाता है जिसकी वजह से उसमें कंट्रोल एलिमिनेशन की एबिलिटी लॉस हो जाती है क्योंकि उसमें एन एस और यूरित्रा के जो इंस्पेंटर होते हैं उनमें वॉलेंट्री कंट्रोल ख़त्म हो जाता है सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री ड्यूरिंग एन एनुअल फिजिकल असेसमेंट अ क्लाइंट रिपोर्ट नॉट बींग एबल टू स्मेल कॉफी एंड मोस्ट फूड विच क्रेनियल नर्व फंक्शन शुड बी नर्स असिस्ट एनुअल फिजिकल असेसमेंट के टाइम पे एक क्लाइंट रिपोर्ट करता है कि उसे कॉफ़ी की स्मेल और मोस्टली फूड की स्मेल नहीं आती है तो नर्स कौन से क्रेनियल नर्व फंक्शन के लिए असेस करेगी ऑप्शन हैं फर्स्ट सेकेंड क्रेनियल नर्व टेंथ या सेवंथ क्रेनियल नर्व तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स कौन सी क्रेनियल नर्व है जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो है फर्स्ट फर्स्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है ऑलफेक्ट्री जो कि स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो नर्स फर्स्ट क्रेनियल नर्व को फंक्शन को असिस्ट करेगी तो इसका राइट right आंसर हुआ फर्स्ट सेकेंड क्रेनियल नर्व कौन सी होती है सेकेंड होती है ऑप्टिक और टेंथ कौन सी होती है टेंथ क्रेनियल नर्व होती है बेगस नर्व और सेवेंथ कौन सी होती है सेवंथ होती है फेसियल क्रेनियल नर्व नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ इन विच पोजिशन शुड द नर्स इनिशियली प्लेस अ क्लाइंट हु ब्रेन अटैक एक क्लाइंट है ब्रेन अटैक का तो उसे नर्स कौन सी पोजिशन देगी इनिशियली ऑप्शन है प्रोन लेटरल सुपाइन या ट्रिंडलैनबर्ग तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स अगर कोई क्लाइंट ब्रेन अटैक का है तो उसको कौन सा क्या प्रॉब्लम होती है अगर कोई क्लाइंट ब्रेन अटैक है तो उसमें यूजली गैग रिफ्लेक्स कॉमन होता है तो ऐसे पर्सन को एस्पिरेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं एस्पिरेशन ना हो ऐसे इससे बचाने के लिए हम ऐसे क्लाइंट को लेटरल पोजीशन देते हैं क्योंकि ये क्लाइंट क्या है ब्रेन अटैक और ब्रेन अटैक में गैग रिफ्लैक्स कॉमन होता है ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है अगर उसे लेटरल पोजिशन देते हैं तो जो उसका म्यूकस ड्रेन होगा वो किस में होगा मोस्टली नेजो में होगा जो कि ट्रेकिया से दूर होता है तो म्यूकस ट्रेकिया में नहीं जाएगा और प्लांट एस्पिरेशन से बच जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट केयरिंग फॉर एनॉक्सियस फियरफुल क्लाइंट विच क्लाइंट रिस्पॉन्स इंडिकेट सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल एक नर्स है जो कि एनोक्सियस फियरफुल क्लाइंट की केयर कर रही है तो इनमें से ऐसा कौन सा रिस्पॉन्सिबल है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल को इंडिकेट करेगा ऑप्शन हैं ड्राई स्किन स्किन पेलर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल या फिर पल्स रेट सिक्सटी बाई सिक्सटी वीट्स पर मिनट तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इनमें से ऐसा कौन सा रिस्पॉन्स है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आता है तो वो आता है स्किन पेलर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर जब भी कोई पर्सन स्ट्रेस में होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है सिम्पैथिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसकी स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं स्मूथ ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन करता है जिसकी वजह से स्किन पेलर हो जाती है तो जो स्किन पेलर है वो किसका कंट्रोल है स्किन पेलर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है बाकी जो अदर ऑप्शन हैं ड्राई स्किन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल और पल्स सिक्सटी बाई नाइन्टी ये किसके हैं ये सब कंट्रोल किसके हैं पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं तो ये ऑप्शन गलत हुए नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स अ क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर कोलोनोस्कोपी एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर टू टैप वाटर एनीमा इन विच पोजिशन शुड द नर्स प्लेस द क्लाइंट ड्यूरिंग द एनीमा एक क्लाइंट है जो कि कोलोनोस्कोपी के लिए शेड्यूल हुआ है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को उसे एनिमा देना है तो, के देना है, sims, line, तो right एनिमा के लिए कौन सी पोजीशन देना होगा क्लाइंट को ऑप्शन हैं लेफ्ट सिम्स बैक लाइन नी चेस्ट या मिड नीचे तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स सबसे ईजी क्वेश्चन एनिमा के लिए कौन सी पोजिशन देते हैं लेफ्ट लेटरल पोजिशन या लेफ्ट सिम्स पोजिशन तो इसका राइट आंसर क्या हुआ ए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन फॉर विच क्लासिकल क्लिनिकल फाइंडिंग

अगर किसी पेशेंट के फीसिस में फैट आ रहा है तो उसे बोलते हैं स्टीटोरिया क्या बोलते हैं स्टीटोरिया बोलते हैं और ये कैसे पेशेंट में देखने को मिलता है ये माले ऑब्जेक्शन वाले सिंड्रोम वाले पेशेंट में देखने को मिलता है तो इसका राइट आंसर क्या हुआ इसका राइट आंसर हुआ फैट ग्लोब्यूल्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर और करंट जेली कंसिस्टेंसी किस में देखने को मिलती है करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है इंटीसैप्शन वाले पेशेंट में किस में

डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से क्लाइंट को डिस्कम्फर्ट फील होता है ऑप्शन हैं लेग सुक्रेज माल्टेज या एम तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स क्लाइंट को जो डिस्कम्फर्ट फील होता है वो फॉलोइंग इंजेक्शन ऑफ मिल्क यानी कि मिल्क इंजेक्शन के बाद होता है और मिल्क में कौन सा इंजाम होता है मिल्क में होता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में होता है लेग तो क्लाइंट को कौन से अंजाम की वजह से डिस्कम्फर्ट फील होता है लेग की वजह से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर नेक्स्ट नाइन विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद इनमें से नर्सिंग एक्शन क्लाइंट के लिए कौन सा होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है प्रोवाइड फॉर रेस्ट एडमिनिस्टर ऑक्सीजन चेकअप पल्स डिस्टल टू इंसर्शन साइट या फिर असेस द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एवरी 15 मिनट्स तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्या असेस करना होगा नर्स को तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट right आंसर होगा चेक का पल्स डिस्टल टू इंसर्शन साइट इंसेशन साइट से डिस्टल पल्स को हमें चेक करते रहना है कार्डिय कैथेटाइजेशन के, के बाद क्योंकि ट्रॉमा होने के बाद इंसेशन साइट से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन भी इंटरफेयर कर सकता है अगर वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा या फिर डिजटल पल्स फील नहीं हो रही है तो ये ड्रामा की वजह से भी हो सकता है इसीलिए हमेशा इंसर्सन साइड से डिजिटल पल्स को भी चेक करना है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड ऑफ रेडियम फॉर कैंसर ऑफ सर्विक्स फॉर वॉट रेडियम रिएक्शन टूट द नर्स असिस्ट द क्लाइंट एक क्लाइंट है सर्विक्स कैंसर का जिसके अंदर रेडियम इंसर्शन किया गया है तो रेडियम रिएक्शन के लिए नर्स को क्या असिस्ट करना होगा ऑप्शन हैं पेन नोजिया एक्सकोरिएशन या फिर रेस्टलेसनेस तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स रेडियम रिएक्शन का असेस करना है तो रेडियम रिएक्शन में नर्स क्या असेस करेगी क्लाइंट के लिए पेन क्योंकि पेन क्या है पेन रेडियम इंसेशन का टॉक्सिक इफेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर तो क्लाइंट के लिए पेन क्लाइंट का पेन असेस करना होगा क्योंकि ये टॉक्सिक इफेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन एलेवन वॉट इज़ द प्रायरिटी वेन वर्किंग ग्रुप ऑफ एज अडल्ट क्लाइंट मिडिल एज अडल्ट क्लाइंट के लिए क्या प्रायोरिटी वर्किंग होगा ऑप्शन हैं सीजेशन ऑफ स्मोकिंग प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एब ऑफ एल्कोहल या फिर डिक्रीज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स किसे हम प्रायोरिटी देंगे मिडिलज अडल्ट के लिए हम प्रायरिटी देंगे सीजेशन ऑफ स्मोकिंग क्योंकि इस्मोकिंग क्या कॉज कर सकता है स्मोकिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हाइपरटेंशन और अदर बहुत सारी डिजीज कॉज कर सकता है तो हम उसे किसे किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे सजेशन ऑफ स्मोकिंग को प्रायोरिटी देंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्व अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट ऑन बेड रेस्ट हाउ कैन हेल्प द नर्स प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बुलेंस एक क्लाइंट है जिसे बेड रेस्ट पर है तो पल्मोनरी एम्बुलेंस से उसे प्रिवेंट करने के लिए नर्स कैसे हेल्प करेगी उसकी ऑप्शन हैं लिमिट द क्लाइंट फ्लूर इंटेक, टीच द क्लाइंट हाउ टू एक्सरसाइज ऑफ लेग एनकरेज द पेशेंट इंसेंटिव या फिर मेंटेन द नी कैच पोजिशन एट एंगल तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स पल्मोनरी एम्बोलस से कैसे प्रिवेंट कर सकती है तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स ऐसे क्लाइंट के लिए नर्स को क्या करना होगा उसे इंकरेज करना होगा और टीच करना होगा हाउ टू एक्सरसाइज ऑफ लेग लेग की एक्सरसाइज कैसे करते हैं क्योंकि जो बेड रेस्ट वाले पेशेंट होते हैं उनको लेग लेग एक्सरसाइज और डोसी फ्लेक्शन ऑफ लेग को बताना होता है कि, कि किस तरीके से उसे एक्सरसाइज करनी है लेग की क्योंकि किस लिए बीनस स्टेसिस और थ्रोमस फॉर्मेशन से प्रिवेंट करने के लिए उसे लेग एक्सरसाइज बताना है सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन अ क्लाइंट इन अ स्टेट ऑफ अनकम्पनसेटेड एसिडोसिस वॉट अप्रॉक्सीमेट आर्ट्रियल ब्लड पी एच दस द नर्स एक्सपेक्ट टू अ क्लाइंट एक क्लाइंट है जो कि एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड एसिडोसिस का है तो उसका पी एच कितना होगा ऑप्शन है हमारे 1.20 1.35 1.7.45 या फिर 7.48 तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स जो पी एच है ब्लड के वो सब 7.20 7.35 7.45 जीरो या सेवन की रेंज में है तो इसका अनकम्पनसेटेड एसिडोसिस वाले पेशेंट में कौन सा पीएच देखने को मिलेगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स नॉर्मल ब्लड पीएच कितना होता है नॉर्मल ब्लड पीएच होता है 7.35 टू 7.45 अगर इससे कम होता है तो हम इसे में कंसिडर करते हैं एसिडोसिस में अगर इससे ज़्यादा होता है तो हम किस में कंसिडर करते हैं एल्थ में तो इस पेशेंट इस क्वेश्चन में क्या पूछा है एसिडोसिस के बारे में पूछा है तो ब्लड पी एच से कम होगा उस क्लाइंट को हम अनकम्पनसेटेड एसिडोसिस वाला कहेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 7.20 7.20 वैल्यू किससे कम है 7.35 से कम है और क्वेश्चन में क्या पूछा है एसिडोसिस के बारे में सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर ये दोनों वैल्यू कैसी हैं नॉर्मल लिमिट में हैं और 7.48 क्या है ये एलकोलॉसिस वाली सिचुएशन है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ए 7.20 नेक्स्ट क्वेश्चन 15 अ नर्स इज केयरिंग अ क्लाइंट विद डायरिया इन विच क्लिनिकल इंडिकेटर द नर्स एंटिसिपेट डिक्रीज एक क्लाइंट नर्स है जो कि डायरिया वाले क्लाइंट की केयर कर रही है तो इनमें से कौन से क्लिनिकल इंडिकेटर डिक्रीज होगा नर्स क्या एंटिसिपेट करेगी ऑप्शन हैं पल्स रेट टिश्यू टर्गर स्पेसिफिक ग्रेविटी या बॉडी टेम्परेचर तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स ऐसा क्लाइंट जो डायरिया का है उसमें क्या देखने को मिलता है डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है और डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है स्किन की इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि इसमें इंटेस्टिस फ्लूड भी डिक्रीज हो जाता है और जिसकी वजह से टिश्यू टर्गर भी डिक्रीज होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटीन अ क्लाइंट है एक्सटेंसिव प्रोलोंग सर्जरी विथ इलेक्ट्रोलाइट लेवल टूड द नर्स मॉनिटर मोस्ट क्लोजली एक क्लाइंट है जिस जो कि एक्सटेंसिव प्रोलोंग सर्जरी वाला है तो उसमें से नर्स कौन से इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसे मॉनिटर करेगी ऑप्शन हैं सोडियम कैल्शियम क्लोराइड या पोटेशियम तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स जिस क्लाइंट की सर्जरी होनी है उसके अंदर क्या डेवलप हो, हो जाता है स्ट्रेस डेवलप हो जाता है स्ट्रेस की वजह से कॉर्थिसोल हॉर्मोन रिलीज होता है कौन सा रिलीज होता है कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो कि क्या करता है जो कि रीनल सिस्टम पे जाकर इफेक्ट करेगा और सोडियम का रिटेंशन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन कर सकता है तो नर्स को क्या किसके लिए असेस करना होगा उसे पोटेशियम के लिए असेस करना होगा मोस्ट क्लोजली पोटेशियम के लिए क्लोज करना होगा क्योंकि पोटेशियम एक्सक्रीशन करेगा कोर्टिसोल सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सेवनटीन A नर्स teaches a अ क्लाइंट अबाउट बारफेरिन Which विच जूस अवॉइड आइडेंटिफाई व क्लाइंट इंडिकेट द टीचिंग इज इफेक्टिव एक क्लाइंट है जो कि बॉर्फेरिन थेरेपी पे है तो इनमें से किस जूस को अवॉइड करना ये इंडिकेट करेगा कि जो क्लाइंट है उसे टीचिंग समझ में आ गई है या फिर जो टीचिंग किया है उसे वो इफेक्टिव है ऑप्शनस हैं हमारे पास एप्पल जूस ग्रेब जूस ऑरेंज जूस या क्रैनबेरी जूस तो अगर किसी क्लाइंट को बार थेरेपी चल रहा है तो कौन से जूस को अवॉइड करना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क्रैनबेरी अगर किसी क्लाइंट को बार थेरेपी चल रहा है तो उसे क्रैनबेरी जूस को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे क्योंकि क्रैनबेरी क्या करता है ये क्रैनबेरी जो क्रैनबेरी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो बार की मैकेनिज्म को इनिवेट कर देते हैं जिससे आई रेशियो बढ़ सकता है जनरली आई एन आर रेशियो अगर किसी क्लाइंट को बॉर्फेरिंग चल रही है तो टू 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 पॉइंट फाइव टाइम्स मोर होता है अगर वो क्रैनबेरी जूस को लेगा तो आई एन आर रेशियो और बढ़ सकता है और उसे हेमरेज के चांसेस रह सकते हैं तो हेमरेज से प्रिवेंट करने के लिए उसे क्रैनबेरी जूस को अवॉइड करना होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एटीन वॉट शुड द नर्स डू वैन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग पेरिटोनल डायलिसिस अगर कोई क्लाइंट पेरिटोनल डायलिसिस रिसीव कर रहा है तो ऐसे क्लाइंट के लिए केयर क्या करनी चाहिए ऑप्शन हैं मेंटेन द क्लाइंट इन द सुपाइन पोजिशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑप्शन बी पोजिशन द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड इफ फ्लूड इज नॉट ड्रेन एडिक्यूटली रिमूव द कैनुला एट द एंड ऑफ प्रोसीजर एंड अप्लाई अर ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग नोटिफाइड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ डेफिजिट ऑफ टू हंड्रेड एम एल इन द ड्रेनेज रिटर्न तो इसका का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स नर्स को क्या केयरिंग करना है अगर उसमें अंदर एडिक्वेट ड्रेन नहीं आ रहा है तो क्लाइंट को साइड टू साइड पोजीशन देना है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर अगर फ्लू एडिक्वेटली ड्रेन नहीं होता है तो हम पेशेंट को साइड टू साइड पोजीशन देते हैं जिससे कि एडिक्वेटली ड्रेनेज होने लगता है ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नाइनटीन वॉट शुड द इनिशियल नर्सिंग एक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ प्रीटम इन्फेंट विद स्कोर सिक्स एक प्रीटम इन्फेंट का बर्थ हुआ है जिसका एफगार स्कोर सिक्स है तो उसका इनिशियल नर्सिंग एक्शन ऐसी सिचुएशन में क्या होगा ऑप्शन हैं चेक द क्लेम्प एंड अमलाइकल कॉर्ड ड्राई द इन्फेंट एंड प्लेस इन वॉर्म एनवामेंट ऑप्टिन द फुट प्रिंट इंड अप्लाई द आइडेंटिफिकेशन बैंड या फिट गेट रिस इक्विपमेंट एंड असिस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स अगर कोई प्रीटम इन्फेंट है उसका अब स्कोर सिक्स है तो सबसे पहले इनिशियल एक्शन में क्या आएगा ड्राई द इन्फेंट एंड प्लेस इन वार्म एन्वायरमेंट इन्फेंट को ड्राई करना है और उसे वार्म एनवायरमेंट में प्लेस करना है उसे हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एन एडोल्स अराइव द क्लिनिक रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस बजिंग इन द ईयर वर्ड असिस्मेंट डाटा असेंशियल टू द नर्स ऑप्टेन एक एडोलसेंट है जो क्लिनिक में आता है रिपोर्ट करता है कि उसे बज़िंग ईयर्स बज़िंग बॉय सुनाई दे रही है उसके कानों में तो इनमें से ऐसा कौन सा डाटा है जिसे नर्स ऑप्टेन करेगी म्यूजिक प्रीफ्रेंस चाइल्ड एयर इन्फेक्शन या फिर रिसेंट इमोशनल ट्रामा या फैमिली हिस्ट्री ऑफ डीफनेस तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा म्यूजिक प्रीफ्रेंस अगर कोई क्लाइंट एडोलसेंट है और बजिंग वॉइस उसके कानों में सुनाई दे रही है तो उसमें म्यूजिक प्रीफ्रेंस के लिए डाटा ऑप्टेन करेगी नर्स क्योंकि टिनिटस यूजुअली जब हेडफोन लगाकर हम म्यूजिक सुनते हैं तब होता है सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर